नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा बात करने जा रहा हूँ कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि की जो कुंडली है वो आपके सामने में दिखाई दे रही है। ये कन्या राशि का जो 24 से लेकर के 30 तक का जो समय है वो कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। ये साप्ताहिक राशिफल है, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कुंडली का निर्माण करके। YouTube पर में आप चेक करोगे, आपको कहीं पर में भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगा इतना सटीक भविष्यवाणी। मित्रों, इस सप्ताह में जो है सो चंद्र चार बार राशि परिवर्तन कर रहा है। जैसे कि 24 तारीख से मैं बता रहा हूँ 24 से 30 के लिए, तो 24 तारीख यहाँ पर मैं आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, जिसमें चंद्र मेष राशि में है 24 तारीख को। और फिर 25, 26 और 27 को चंद्रमा चला जाएगा वृषभ राशि में। 28 और 29 को चंद्रमा फिर चला जाएगा मिथुन राशि में। और 30 तारीख को चला जाएगा चंद्रमा कर्क राशि में। यानी कि इस सप्ताह में चार बार चंद्र का राशि परिवर्तन हो गया। इसका क्या फल आपको मिलने वाला है, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि राशि फल जो होता है वो मुख्य रूप से चंद्र पर में ही आधारित होता है। और मैं जो राशि फल बताने जा रहा हूँ या बता रहा हूँ आपको, वो चंद्र पर में ही आधारित होता है। सबसे पहले जो है सो हम चर्चा करते हैं 24 तारीख की, जिसमें चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान है, मृत्यु के घर में चंद्रमा विराजमान है। ये जो आठवां जो घर होता है मित्रों, वो जीवन का होता है, मृत्यु का होता है, संकट का होता है, ऋण का होता है। लेकिन चंद्रमा के अष्टम भाव में मेष राशि में बैठने के कारण जो है सो आपके आयु और पुरातत्व इन दोनों में वृद्धि होगी। इन दोनों का आपको विशेष लाभ जो है सो प्राप्त होने जा रहा है। मित्रों, इसके अलावा जो है आपको सातवीं दृष्टि से जो है चंद्रमा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 धन भाव को देख रहा है, आपके द्वितीय भाव को, जो कि तुला राशि का घर है उसको देख रहा है। जिसके कारण से जो है सो आपको धन को जमा करने में कुछ कठिनाइयों का आपको सामना करना जो है सो पड़ सकता है। इसके अलावा बाहरी स्थानों से आपको यहाँ पर भी कुछ विशेष लाभ का योग भी बन रहा है। मित्रों, कठिनाई तो होगी लेकिन फिर भी धन और कुटुंब इन दोनों का सुख जो है सो आपको 24 तारीख को प्राप्त होने जा रहा है, चंद्रमा के अष्टम भाव में बैठने के कारण। 25, 26 और 27 को चंद्रमा चला गया आपके भाग्य के भाव में, यानी कि वृषभ राशि में। वृषभ राशि में चंद्रमा के बैठने के कारण जो है सो आपको विशेष धन लाभ का भी योग बन रहा है, आपके भाग्योन्नति का भी योग बन रहा है, आपके भाग्य का विकास भी होगा। और आपको बताऊं तो आपको आकस्मिक, कहीं से कहते हैं ना कि दैवीय सहायता, भगवान की तरफ से सहायता कोई, उस प्रकार का आपको कुछ मिल सकता है इस सप्ताह में, वो भी 25, 26 और 27 तारीख को, जब वृषभ राशि में चंद्रमा रहेगा तब तक। इसके अलावा जो है सातवीं नीच दृष्टि से आप देख लो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो आठम जो घर है सो मंगल का घर है। और मंगल के साथ जो है सो चंद्रमा का जो है सो वो उतना अच्छा संबंध भी नहीं कह सकते और बुरा भी नहीं कह सकते, मिला जुला करके जो है सो मंगल के साथ ठीक है चंद्रमा का, लेकिन चंद्रमा के साथ मंगल का ठीक नहीं है। तो जिसके कारण से ये नीच दृष्टि से देख रहा है। और इस कारण से जो है सो आपको भाई बहनों का कुछ सुख जो है सो कम प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो घर है तीसरा वो भाई बहन का घर है, पराक्रम का घर है, बंधन का घर है ये। तो यहाँ से भाई बहनों का सुख जो है आपको थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। मित्रों, आपको बता दूं कि पराक्रम में जो है सो वृद्धि होगी, ऐसा नहीं है कि पराक्रम में वृद्धि नहीं होगी, पराक्रम में वृद्धि जरूर होगी, लेकिन भाई बहनों का सुख यानी कि भाई बहनों की तरफ से सपोर्ट जो है वो उतना अच्छा आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये हो गया चंद्रमा का 25, 26 और 27 का जब वृषभ राशि में रहा। उसके बाद 28 और 29 तारीख को जो चंद्रमा है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है, यानी कि आपके दशम भाव में। दशम भाव जो है सो होता है पिता का, राज्य का, व्यवसाय का। इस भाव में प्रवेश करने के कारण जो है सो आपको राज्य, पिता और व्यवसाय के क्षेत्र में पूर्ण लाभ का योग बन रहा है। यानी कि पिता के तरफ से भी आपको 28 और 29 तारीख को अप्रैल को फुल सपोर्ट मिलने वाला है, राज्य और व्यवसाय के तरफ से भी आपको फुल सपोर्ट प्राप्त होने जा रहा है। आपको बता दूं
कि खर्चा जो है कुछ ज़्यादा होने वाला है इस समय में, जिसके कारण से जो है सो मन आपका थोड़ा सा चिंतित और व्यथित भी रह सकता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मित्रों, आपको बता दूं कि सातवीं नीच दृष्टि से जो है सो सातवीं शत्रु दृष्टि से आप देख लो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं शत्रु दृष्टि से जो है सो ये आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है। चतुर्थ भाव का जो स्वामी है, मालिक है, वो बृहस्पति है, और बृहस्पति और चंद्र का संबंध जो है सो अच्छा नहीं है, जिसके कारण से जो है सो आपको धन खर्च कुछ ज़्यादा होगा, और अगर सफलता चाहते हैं तो विनम्रता बनाए रखें, उसी में आपका भलाई है। मित्रों, बीमारी तथा अन्य झगड़ा भी आपको कुछ नुकसान जो है सो पहुंचा सकता है, इसके लिए भी आपको सतर्क रहना चाहिए। इसके बाद जो है 30 तारीख को चंद्रमा जो है सो कर्क राशि में, यानी कि आपके लाभ के घर में प्रवेश कर रहा है। अब इधर जो 19-20 हुआ सो हुआ, लेकिन यहाँ पर में जब चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेगा, और कर्क राशि का जो स्वामी है वो खुद चंद्रमा ही है, यानी कि वो बली हो गया, बली नहीं महाबली हो गया, महाशक्तिशाली हो गया, क्योंकि अपने घर में है। और हमारे गांव में एक कहावत है कि अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, और ये तो चंद्रमा है, तो चंद्रमा तो ऐसे ही बहुत पावरफुल होता है, और ये भी अपने घर में है, तो अपने घर में है तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसके कारण से आपको पैसों का ये अंबार लगा देगा, यानी कि धन लाभ का जो है सो विशेष योग बन रहा है इस समय में आपके कुंडली में 30 तारीख को। 30 के साथ साथ एक भी आप ले सकते हो, क्योंकि कर्क राशि में ही 30 और 1 दोनों को चंद्रमा रहेगा, तो 30 और 1 दोनों तारीख को जो 30 अप्रैल और 1 मई को चंद्रमा जो है सो आपको धन लाभ का विशेष सुख देगा, आपको संपत्ति को जमा हो सकता है, आपके आय में वृद्धि हो सकता है। और इसके बाद जो चंद्रमा जो है यहाँ से इसका सप्तम भाव हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि आपके पंचम भाव को देख रहा है। पंचम भाव का जो स्वामी है वो शनि है, और पंचम भाव जो होता है सो वो होता है विद्या, बुद्धि और संतान का घर होता है। और शनि के साथ जो है मित्रों, वो चंद्रमा का जो है सो शत्रुता का भाव है, शनि और चंद्र में शत्रुता है, यानी कि चंद्र जो है शत्रु दृष्टि से देख रहा है पंचम भाव को, जिसके कारण से आपको विद्या, बुद्धि और संतान के क्षेत्र में जितना लाभ मिलना चाहिए उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी लाभ जो है सो मिलेगा, फायदा जो है सो होगा। तो मित्रों, यही थी वो राशिफल जो 24 से लेकर के 30 तारीख की आयु का हूँ तो 1 मई तक की हमने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ कि आप लगभग सारी चीज़ें समझ चुके होंगे, क्योंकि बड़ा डिटेल में मैंने आपको कुंडली बना करके बताया। और अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, उपाय भी आप करना चाह रहे होंगे, सोच रहे होंगे उपाय करने का, तो उपाय में जो है चंद्रमा है आपके मौत के घर में बैठा हुआ, जिसके कारण से आपको उपाय जो करना है सो कमेंट में लिखना है जय चंद्र देवता, जय चंद्र देवता के साथ साथ लिखना है जय चंद्र देवता, जय बुद्ध देवता, इन दोनों को आपको प्रणाम करना है मन ही मन, और कमेंट में लिखना है। और उपाय ये है कि सोमवार के दिन उजला कपड़ा पहनने का प्रयास करें, महादेव को जल चढ़ाने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों, यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, प्रत्येक जगह पर मैं इसे शेयर कर दें, ताकि सब लोग देख करके इसका लाभ ले सकें। और अगर आप नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंभु नारायण।